तुम दुआ करते हो और करते रहते हो, घंटों बैठकर अल्लाह से दुआएं करते हो, बातें करते हो, सजदों में रोते हो, अल्लाह से कहते हो तुम्हें वो अता कर दे जो तुम चाहते हो, अपने लिए खैर मांगते हो, मगर कभी कभी तुम्हें तुम्हारी दुआएं कबूल होती नज़र नहीं आती। मगर उन लम्हों में मायूस मत हुआ करो, क्योंकि कुछ दुआएं वो अपने पास संभाल कर रखता है, और ये तो ऐसे लम्हे होते हैं कि जब तुम्हें उस पर यकीन करने की ज़रूरत होती है, उस पर एतमाद ज़ाहिर करने का वक्त होता है, ना कि मायूसी ज़ाहिर करने का। वो चाहे तो सेकंड्स में कुन फरमा दे और चाहे तो सदियां लगा दे। अगर वो तुम्हें देने में ताखीर कर रहा है तो उसमें भी उसकी मसलियत होगी। हो सकता है उसको तुम्हारा मांगा, यकीन रखना, सब्र करना पसंद आ गया हो, तुम्हारा उसे बातें करना उसको पसंद हो। इंसान ऐसा है कि जब उसको उसकी मनपसंद चीज़ मिल जाती है तो वो देने वाले को भूल जाता है, और अल्लाह नहीं चाहता कि तुम उसको भूल जाओ, इसलिए तुमसे राबता बहाल रखने के लिए ताखीर करता है। अल्लाह पाक तुम्हारी ज़ुबान को मांगने की हिम्मत तब देता है जब वो तुम्हारी दुआओं पे राज़ी होना चाहता है। तुम्हारे दिल में बार बार एक ही चीज़ का ख्याल आना उसकी जानिब से इशारा है कि तुम उसे मनाओ। वो तो उन दुआओं के लिए भी वसीले बनाता है जो तुमने उससे कभी मांगी ही नहीं होती। फिर वो उन दुआओं को कैसे अधूरा छोड़ सकता है जिन्हें तुम तड़पते हुए उससे बार बार मांगते हो। इस देरी से मत घबराओ, बस इतना याद रखो कि जो काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए वो इबादत है, फिर चाहे वो इंतज़ार हो, यकीन हो, सब्र हो या दुआ हो। टूटे हुए दिल से निकली हुई सदा कभी खाली नहीं जाती, और इबादत का सिला कभी रायगा नहीं जाता। तो भी ये सब जानते हुए भी तुम क्यों उसे मांगते हुए थक गए हो जो तुम्हें देते हुए नहीं थकता। तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा यकीन है कि अल्लाह ज़रूर देगा, और कुन मोहब्बत है उसकी कि वो दे देता है। अब कबूलियत के ज़रिए उसके एक हुक्म पे रुके हैं, और उसका हुक्म सिर्फ तुम्हारी एक पुकार का मुंतज़िर है। आए अल्लाह, मैं दोबारा लौट आया हूँ, मैं आपसे बहुत बातें करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने आपके मंसूबों पर बहुत सवाल उठाए हैं, मैंने रोते और सिसकते हुए अपना वक्त गुजारा, ये जानते हुए भी कि आपने मेरे लिए ये फ़ैसला किया है। मैंने पिछले चंद महीनों में बहुत से सवालात किए हैं, मैं इसे कहीं ज़्यादा रोया हूँ जितना मेरा दिल और मेरी रूह बर्दाश्त कर सकती है। मैंने ऐसी बातें सोची जो मुझे शायद नहीं सोचनी चाहिए थी, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं। मैं थक गया हूँ, लेकिन आप इन सब से पहले ही आगाह हैं। इस वक्त मेरा दिल बहुत दर्द में है, मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, मेरी रूह तड़प रही है, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। मैं नहीं जानता मेरी किस्मत में क्या है, आने वाले कल में मेरे साथ क्या होगा, आपने मेरे लिए क्या लिखा है, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन मुझे इस बात का इल्म ज़रूर है कि मुझे आप पर दिल से भरोसा करना है और सब कुछ आपके हाथ में छोड़ना है। मुझे आप पर तवक्कुल रखना है, और जो कुछ भी हो रहा है उसे कबूल करना है, और जो भी आपने मेरे लिए मंसूबा बनाया है उस पर राज़ी रहना है। ये मुश्किल है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप मुझे इस वक्त से भी निकाल लेंगे, आप मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। आपने कुछ बहुत ही ख़ास लिखा होगा मेरे नसीब में, बिलाखिर आप सबसे ज़्यादा रहम करने वाले, इंतहाई मेहरबान और इंतहाई मोहब्बत करने वाले हैं। ऐ अल्लाह, मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर, मेरे बेचैन दिल में कुछ सुकून भर दे, मुझे हिदायत दे, सीधी राह दिखा दे और मुझे हिम्मत दे। अल्लाह की मदद तब आती है जब मायूस कुन हालात में भी तुम दिल पर दिमागी वसवसे हावी नहीं होने देते, और तमाम दर बंद नज़र आने के बावजूद पूरे यकीन से अल्लाह से रुजू करते हो, तब वो तुम्हारे लिए ऐसे ज़रियों से मदद भेजता है जिनके बारे में तुम्हारी अक्ल गुमान भी ना कर सकती हो। फिर बिगड़ते काम संवरते हैं और दुआएं सुन ली जाती हैं, तुम्हारा पुख्ता यकीन अल्लाह से अपनी बात मनवा लेता है।
दुआ उन तरीकों से आपकी मदद करती है जो आप अपने वहम गुमान में भी नहीं सोच सकते। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके सामने कितनी रुकावटें खड़ी हैं, बस आपने इतना याद रखना है कि अल्लाह हमेशा आपके साथ है, और जब तक अल्लाह आपके साथ है आप कोई भी जंग जीत सकते हैं। तो जब कभी दिल मायूस होने लगे तो याद करना जब अल्लाह ने कुरान में फरमाया था कि नूह अलैहिस्सलाम के उस वक्त को याद करो कि जब उसने हमें पुकारा तो हमने उसकी दुआ कबूल कर ली। वो तुम्हें तुमसे गुजार कर ही खुद तक लाता है, और जब तुम उस तक पहुंच जाते हो तो वो तुम्हारे लिए उन्हीं दुआओं को वसीला बना देता है जिनकी कबूलियत का तुम्हें गुमान भी नहीं होता। वो जिसे चुन लेता है उसे पाक कर देता है। किस चीज़ से पाक? कभी सोचा है? वो पाक कर देता है अपने सिवा हर उस शय से जो तुम्हारे और उसके दरमियान हाइल हो। वो यूं तुम्हारी दुआओं को हर उस रुकावट से पाक कर देता है जो कुन का रास्ता रोके खड़ी होती है। और फिर वो होता है जो ना किसी ने सुना होगा और ना किसी ने देखा होगा। अगर अल्लाह आपको इंतज़ार करवा रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि वह आपको सजा दे रहा है, बल्कि वह आपसे कुछ देर तक रबते में रहना चाहता है। वो चाहता है कि आप मज़ीद दुआएं करें, वो चाहता है कि आप उससे बातें करें, वो आपकी आवाज़ बार बार सुनना चाहता है। इसलिए वो आपको वो चीज़ नहीं दे रहा है, और इसी वजह से ही वो उस चीज़ का ख्याल आपके दिलो दिमाग से नहीं निकाल रहा है। तुम खुद उसके इशारे का इंतज़ार कर रहे हो, फिर जब वो तुम्हें वाज़े इशारे दे रहा है तो तुम उसकी बात क्यों नहीं सुनते? वो आपसे छीन भी नहीं रहा और आपके करीब भी नहीं आने दे रहा, तो इसका मतलब है कि वो आपकी दुआ का इंतज़ार कर रहा है ताकि वो आपकी दुआओं का जवाब अपने कुन से दे। तो आप क्यों उदास हैं? तुम मायूस क्यों हो? बस अपने आप को कुछ वक्त दें, और उस वक्त तक दुआ करना बंद न करें जब तक वो कुन न कह दे। उस रब के हवाले सब मामलात कर देने का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मुकम्मल यकीन के साथ सब्र करना, इस बात का इत्मीनान कर लेना कि अब जो भी होगा वही बेहतरीन होगा, क्योंकि वो रब आपसे बेहद मोहब्बत करता है। वो कुछ भी ऐसा नहीं होने देगा जो आपको नुकसान पहुंचाए, और उसकी कुदरत इतनी वसी है कि वो आपकी सब दुआओं को कबूल कर लेगा। तो जब मामलात उसके सपुर्द कर दो तो खुद को हर परेशानी से आज़ाद भी कर दिया करो, क्योंकि वो बेहतरीन कारसाज है, वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। याद रखो दोस्तों, अल्लाह को मनाना तो आसान है लेकिन अल्लाह की मानना मुश्किल काम है। इसीलिए अल्लाह कभी कभार हमें ज़िंदगी के उस मोड़ पर ला खड़ा करता है जहां हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, फिर हमें अल्लाह की माननी ही माननी पड़ती है। और यही हमारे ईमान का इम्तिहान होता है कि जिस चीज़ का हम अल्लाह से दावा करते हैं क्या वाकई हम उस पर पूरा भी उतर सकते हैं? अपनी रज़ा के लिए तो सभी यकीन रखते हैं अल्लाह पर, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र सिर्फ ईमान वाले करते हैं, पुख्ता ईमान वाले। और याद रखें कि जो अल्लाह की बात नहीं टालते अल्लाह भी फिर उनकी बात नहीं टालता।